आइए फ्रेंड्स, या हम लोग जर्नल एंट्रीज के कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाएंगे और अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसके बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बल्क सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट हर बायर को मिलता है। कैश डिस्काउंट जो है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए मिलता है। अगर वो जो व्यक्ति है जिसने आपसे सामान खरीदा है, आपका जो बायर है, वो अगर आपको टाइमली रीपेमेंट कर दे रहा है, पेमेंट कर दे रहा है, तो हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। डिफरेंस मेन क्या हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बल्क सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है, हर व्यक्ति को दिया जाता है जो कोई भी आपसे सामान खरीदता है, और इसकी एंट्री नहीं होती है। कैश डिस्काउंट जो है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, जो पेमेंट कर रहा है, जितना अमाउंट पेमेंट कर रहा है उतना ही पे दिया जाएगा, और इसका पर्पस है कि बिजनेस में कैश बना रहे। आइए देखते हैं। यहां विनोद से लिस्ट प्राइस 40,000 का सामान खरीदा है जिसपे कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 का 10% अगर आप ट्रेड डिस्काउंट कर दोगे तो 4,000 रुपया होता है। वो 4,000 माइनस कर दोगे तो 36,000 आएगा। उधारी खरीदा है, कहीं कहीं कैश नहीं लिखा हुआ है, तो हमने लिखा परचेज अकाउंट डी आर टू विनोद 36,000। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 परचेज एट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यह नरेशन है। फिर क्या हो रहा है, कैलाश को सामान भेज रहा है 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो 1 लाख का 15% निकाल दिया 15,000। 15,000 माइनस करके आप लिख दो कैलाश अकाउंट डी आर टू सेल्स, अमाउंट हो गया आपका 85,000। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 1 लाख सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। कैलाश क्या कर रहा है, लिस्ट प्राइस 4,000 का सामान लौटा दे रहा है आपको। तो इसमें जब बेचने टाइम में आपका डिस्काउंट था तो सामान लौट के आएगा, उसमें भी डिस्काउंट होगा। तो 4,000 का जो सामान लौटा है उसमें 15% डिस्काउंट है, 4,000 का 15% जो है वो 600 रुपया हो जाता है। तो 4,000 में से 600 काट करके यानी 3,400 का सामान आपके पास लौट करके आ रहा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर टू कैलाश। कैलाश को जब बेचा था तो उसको डेबिट किया था, अभी वो सामान लौटा रहा है तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं। नरेशन लिख दिया, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000 रिटर्न बाय कैलाश, एक्चुअल प्राइस 4,000 है, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब फिर क्या हो रहा है, कैलाश के पास जो कुछ भी बकाया है वो 5% कैश डिस्काउंट पे आपको पेमेंट कर दे रहा है। तो बेचा था इतने का सामान, इतना का उसने रिटर्न कर दिया, इतना एक्चुअली लेना है, जो लेना है उसमें 5% का डिस्काउंट आप दे रहे हो फिर से। तो 81,600 का 5% जो है वो 4,080 है, वो डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो यानी इतने रुपए की रिकवरी होनी है, 77,520 रुपीज की। लिख लो कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दो 77,520। जो डिस्काउंट दिया है वो आपके लिए लॉस है, उसको डेबिट करोगे 4,080 रुपीज टू कैलाश 81,600। नरेशन में क्या लिख दिया, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ये हमने नरेशन भी लिख दिया, नरेशन मस्ट है। फिर क्या कह रहा है, बाउट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का सामान है उसपे 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 15% निकाल करके माइनस कर दो, तो 10,000 में से 15% गया तो 1,500 यानी 8,500 का सामान आ जाएगा, परचेज अकाउंट डी आर टू मोहन। अब जब ये सामान खरीद लिया तो फिर मोहन को आप पेमेंट कर रहे हो और उसमें वो आपको 4% कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो 85,000 का 4% निकाल लो जो कि 340 रुपया होता है, माइनस कर दो 8,160, मोहन को पेमेंट कर दो कैश में 8,160, और बाकी जो है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपके लिए लॉस है, वो डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, वो क्रेडिट होता है, ये ध्यान में रखना। फिर क्या है, बाउट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 50,000 का पहले 20% निकाल लो, तो 10,000 हो गया ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर लिया तो 40,000 रुपया यानी सामान का दाम हुआ 40,000 रुपया। अब उसमें 5% कैश डिस्काउंट दे दो तो 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपया।
माइनस कर दो तो 38,000 क्या होगा, परचेज अकाउंट डीआर 40,000, कैश डीआर 38, 2,000 रुपये आप डिस्काउंट मिल गया आपको। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज इतना, ब्राउट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, नरेशन में लिख दिया। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है, तो 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस निकाल लो तो 2,000 होता है, माइनस कर लोगे तो 18,000। अब 18,000 का 3% आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो 3%, तो वो 3% निकालिया तो 540, वो भी माइनस करके 17,460 रुपये, 17,460। जो कैश आ रहा है उसको डेबिट करो, जो डिस्काउंट अलाउ किए हो वो लॉस है उसको भी डेबिट करो, टू सेल्स 18,000। अब यहां क्या हो रहा है कि सुभाष से आपको पैसे मिले हैं 20,000 रुपये, जो कि आपने पिछले साल बैड डेट्स लिख दिया था, तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड। यहां पर सैलरीज पेमेंट करना है जो कि आपने नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का एंट्री होगा, तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000। फर्नीचर है 50,000 का, उस पर 10% डिप्रिसिएशन काटना है, तो 50,000 का 10% 5,000 हो जाता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, जब डिप्रिसिएशन होगा तो वैल्यू घटेगा। और रेंट जो है वो 10,000 दिए हो, वो प्रीपेड हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो उसको लिख दिया प्रीपेड रेंट अकाउंट डीआर टू रेंट, रेंट पेड इन एडवांस। तो यही था दोस्तों, थैंक यू।